Assalamu alaikum viewers, I'm Mohammed Rauf. We will discuss the class 9th political science chapter constitutional design. अब इस constitutional design में हम कुछ चीज़ें discuss करेंगे. जो topics हैं वो हमने board पे लिखे हुए हैं. Number one topic will be democratic constitution in South Africa. Number two topic will be struggle against the apartheid in South Africa. या apartheid भी कह सकते हैं, apartheid, okay. टूवर्ड्स द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. तो साउथ अफ्रीका में फिर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वजूद में आ गई. तो उसके बाद हम स्विच ओवर करते हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया भी अंडर ब्रिटिश रूल था. तो वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका एक बैकग्राउंड पढ़ेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी होती है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो फिर उसके बाद जब इंडिया आज़ाद हो गया, फ्रीडम हो गई, तो इंडिया ने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, ड्राफ्ट किया. तो लास्ट में फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गई, तो पाथ, ड्रीम्स एंड प्रोमिसज जो लोगों के साथ किए गए थे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, वो क्या थे. ठीक है, लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. पहले हम डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है अफ्रीका के अंदर, ये उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या मीन कर रही थी. तो डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट में ये है कि रूलर्स को कोई फ्री एसेस नहीं होनी चाहिए. यानी द रूलर्स आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे वांट टू डू, बिकॉज देयर मस्ट बी अ सर्टन सेट ऑफ रूल्स विच बाइंड द रूलर्स टू डू सम सर्टन इलीगल और मिसयूज ऑफ पावर. ठीक है, तो उसके लिए सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्मुलेट किए जाते हैं, जो सिटीजन्स भी फॉलो करते हैं, रूलर्स भी फॉलो करते हैं, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. तो रूल्स दैट द सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट हैड टू फॉलो टुगेदरली, दैट वी कॉल द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो पहला टॉपिक है जो हमने अभी डिस्कस किया, वो हमारा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर इन अफ्रीका. तो अफ्रीकन हिस्ट्री में कौन ऐसा हीरो था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए या अफ्रीका को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल की. तो उनमें प्रोमिनेंटली एक लीडर नाम आता है, उसका नाम आता है नेल्सन मंडेला. ठीक है, तो नेल्सन मंडेला जो है वो एक बहुत बड़ा हीरो होता है अफ्रीकन फ्रीडम स्ट्रगल में. तो वो बहुत स्ट्रगल करता है, जो अपार्थाइड रिजीम होती है उनके खिलाफ प्रोटेस्ट्स, मार्चेस एंड सो ऑन, जितना भी उसका ये पॉलिटिकल अप्रोच था ताकि इस रिजीम को ख़त्म किया जाए, जो सेग्रीगेशन थी उसको ख़त्म किया जाए. ठीक है, तो वो बन गया उनका हीरो. बट ही वॉज ट्राइड अंडर ट्रीजन फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड अलॉन्ग विद द 8 लीडर्स. ठीक है, 7 लीडर्स टोटल वेयर द 8. तो उसके साथ ये जो 7 लीडर्स थे, टोटली 8, उनको एक ट्रीजन के तहत 28 ईयर्स के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस सुनाया गया. ठीक है, सज़ा. ये कब हुआ, ये 1964 में हुआ. 1964 के बाद इनको एक जेल में डाल दिया जाता है. एक्चुअली ये इसलिए डाल दिया जाता है क्योंकि इन्होंने एक हिम्मत की थी ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ उस वक्त, या वाइट्स हम कह सकते हैं, वाइट्स के ख़िलाफ़ इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, और उसकी वजह से, अपोज़ करने की वजह से उनको 28 साल की सज़ा सुनाई गई. और वो वन ऑफ द डेडलीस्ट प्रिजन था वो, रॉबिन आइलैंड्स में उनको फिर कैद में रखा गया. सो दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक जहाँ पे उन्होंने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक पहल की, जदजहद की, ताकि अफ्रीका के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम की जाए, ड्राफ्ट की जाए. उसके बाद ये जो अपार्थाइड मूवमेंट थी उसके लिए क्या क्या स्ट्रगल्स इन्होंने अपना, सॉरी, क्या क्या तरीके अपनाए इस स्ट्रगल को आगे बढ़ाने के लिए, व्हाट वर द स्ट्रेटजीज दे फॉलोड एंड व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस लेटर ऑन विच दे फेस्ड दैट टाइम. तो नंबर वन, उनका ये जो सिस्टम था, सिस्टम ऑफ अपार्थाइड, ये एक किस्म का एक सेग्रीगेशन था ब्लैक्स के साथ. जो वाइट्स रूल कर रहे थे, यूरोपियन वाइट्स, तो उन्होंने जो ब्लैक्स अफ्रीकन्स थे, तो उनको वो डिवाइड कर रहे थे ऑन द बेस ऑफ कलर. तो ऑन द बेस ऑफ कलर जो है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जा रही थी, उनको डिवाइड किया जाता था कैटेगरीज में. नंबर वन वर द वाइट्स हु कंसिडर देमसेल्व्स टू बी द सुपीरियर. नंबर टू कैटेगरी पे ब्लैक्स आते थे जिनको इन्फीरियर समझा जाता था. और थर्ड मिक्सड रेस था, उनको कलर्ड कहते थे. ठीक है, अब ये यूरोपियंस क्या कर रहे थे, ये यूरोपियंस इनको उस वक्त बहुत सारी जो बेसिक एमिनिटीज़ थी या लाइवलीहुड, या इवन के अगर उनको उनके एरियाज़ में भी रहना होता था, वाइट्स जहाँ पे रहते थे उनको परमिशन नहीं था, उनके लिए बसेस में पाबंदी थी, ट्रेन्स में पाबंदी थी, या टैक्सीज, या हम कह सकते हैं सिनेमा हॉल्स, बीचेस. ठीक है, तो पूरी तरह ऑन द बेस ऑफ स्किन और कलर इनके साथ एक बहुत बड़ी इनजस्टिस हो रही थी अफ्रीका के अंदर. तो इस ब्लैक पॉपुलेशन ने उस वक्त एक मूवमेंट चलाई, उसी को अपार्थाइड या रेशियल जो मूवमेंट थी वहाँ पे, रेसिस्ट मूवमेंट चलाई. ठीक है,
नाउ लेटर ऑन फिर वाइट्स ने क्या किया, वाइट्स इनको क्रश करने के लिए, सप्रेस्ड क्लास बनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे थे. दे ट्राइड देयर बेस्ट टू मेक दम डिप्रेस्ड क्लास बिकॉज दे डोमिनेटेड द ब्लैक्स. बट रीज़न क्या था, ये वाइट्स क्यों डोमिनेट इन पे हो गए, जिस तरह इंडिया पे वाइट्स ने रूल किया, पहले ट्रेड करने के लिए आ गए, उसके बाद इन्होंने ट्रेड से टेरिटरी तक अपना रूल कन्वर्ट किया, इसी तरह इस अफ्रीका के अंदर इन्होंने वहाँ पे रूल को पहले ट्रेड करने के लिए गए, उसके बाद देखा कि वहाँ पे जो सिस्टम था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बाकी सारा था, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि वाइट्स वहाँ पे सेटल हो गए, बट इंडिया में सेटल नहीं हो गए, अफ्रीका में सेटल होने लगे क्योंकि रिसोर्सफुल कंट्री थी. तो सेटल होने के बाद उन्होंने फिर पॉलिटिकल डोमिनेंस हासिल की, पॉलिटिकल डोमिनेंस के बाद उन्होंने फिर ब्लैक्स के ऊपर अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया और उनको वोटिंग राइट्स भी नहीं दे रहे थे. इवन कि मैंने अभी जो कहा कि उनको फॉरबिड किया जाता था, फॉरबिडन फ्रॉम द सिनेमा हॉल्स, जो बीचेस थे या बाकी जो लिविंग उनकी नीड्स एंड नेसेसिटीज़ थी. ठीक है, अब ब्लैक जो है उनके ऊपर और एक कानून बनाया गया कि आप एसोसिएशंस नहीं बना सकते हैं किन के खिलाफ, वाइट्स के खिलाफ अपोज या प्रोटेस्ट करने के लिए. तो उसके लिए भी उनको बड़ा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा कि वाइट्स जो है पूरी तरह उनको क्रश करना चाहते थे, वो पूरी तरह कंट्रोल करना चाहते थे, पॉलिटिकल कंट्रोल. कहते हैं ना पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. ठीक है, तो ये अब स्टार्ट करने लगे अपनी स्ट्रगल. तो ज़्यादा देर तक ये क्रश नहीं रहना चाहते थे या अंडर द डिस्क्रिमिनेशन या ऑपरेशन जो उनका था, रिप्रेशन जो था वाइट्स का था. तो दे डिडंट टॉलरेट इन सिंस 1950 दे स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वाइट. सो फिर 1950 से यहाँ पे उनके खिलाफ क्या होता है, तो वो यहाँ पे फिर 1950 से क्या करते हैं, अपनी स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं. तो उनका हीरो जो एक्चुअली था वो मंडेला था, नेल्सन मंडेला, उसको अब प्रिजन में डाल दिया गया 28 इयर्स के मुद्दत तक. उसके साथ 7 लीडर्स थे. ठीक है, अब इस अपार्थिड जो मूवमेंट थी या रेसिस्ट मूवमेंट जो उन्होंने स्टार्ट की, अब इसमें इन्होंने क्या क्या डिस्कशन किया कि हमें किस तरह अपनी स्ट्रगल को आगे बढ़ाना है, क्या क्या प्लान्स होंगे, क्या पॉलिसीज होंगी. तो पहले उस वक्त इन्होंने स्ट्राइक्स, ठीक है, प्रोटेस्ट, मार्चेस, हाँ, ये करने लगे. और उन्होंने जिस तरह नॉन कोऑपरेट करना, इंडिया ने उस वक्त नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, इसी तरह इन्होंने भी नॉन कोऑपरेशन दिखाई. ठीक है, तो ये प्रोटेस्ट जारी रहा. फिर नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस बनाया गया. ठीक है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो इसको वजूद में लाया गया. तो दिस वॉज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्कड फॉर होल कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ द ब्लैक सेग्रीगेशन मूवमेंट अगेंस्ट द वाइट्स वॉज इन प्रोग्रेस. सो दैट इज़ वाई कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने इनको सपोर्ट किया, बहुत सारी कंट्रीज़ अपोज करने लगे कि ये जो सेग्रीगेशन का जो पॉलिसी है वाइट्स का, ये बहुत टोटली इनह्यूमन है. ठीक है, तो उसके बाद जो ब्लैक्स को करीबन करीबन इस मूवमेंट के बाद 1000 से ज़्यादा उनको मार दिया गया, किल किया गया, बहुत सारों को इम्प्रिजन किया गया. इम्प्रिजन करने के बाद उन्होंने इस मूवमेंट को बड़ी सप्रेस करने की कोशिश वाइटो ने बहुत भरपूर की, बट स्टिल दे कंटिन्यू देयर मूवमेंट. इन द एंड उनको फिर एक्सेप्ट करना ही पड़ा कि जो उनकी पॉलिसीज़ हैं इनको हमें एक्चुअली अब रिपेल करना चाहिए और रिपील करना चाहिए. ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, तो ये जो नया टॉपिक हमारा आता है टूवर्ड्स द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, तो अब वाइट्स ने एक्सेप्ट किया. उन्होंने कंप्रोमाइज़ करने के लिए अब वो रेडी हो गए कि अब ज़्यादा देर नहीं चलेगा ये सारा, तो वी नीड टू कंप्रोमाइज़, वी नीड टू गेट रेडी टू एक्सेप्ट द डिमांड्स ऑफ दीज ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल इन द साउथ अफ्रीका. सो दैट इज़ वाई दे मूव्ड अ स्टेप टूवर्ड्स द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा अब तीसरा टॉपिक होगा इस लेसन में. ठीक है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कैसे वजूद में आ गया, क्योंकि प्रोटेस्टर्स जो थे या जो रिवॉल्यूशनरीज थे या जो मूवमेंट चलाने वाले रिवॉल्यूशनरीज के एजेंट्स थे या लीडर्स थे, वो अपनी स्ट्रगल को जारी रखे हुए थे और वो पीछे नहीं हट रहे थे, वो कंटिन्यूसली अपनी इस कोशिश को बरकरार मुसलसल जारी रखे हुए थे. तो बड़े रब्त तसलसल के साथ इन्होंने अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाया और इस मूवमेंट को फिर हतमी शक्ल तक पहुँचा दिया, जिसकी वजह से वाइट्स रेडी हो गए इनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के लिए. फिर क्या हो गया, तो इन्होंने वहाँ पे वाइट्स ने कुछ पॉलिसीज़ चेंज की, किन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी पॉलिसीज़ को चेंज किया.
अब इन पॉलिसीज़ में मोस्ट प्रोमिनेंटली दो पॉलिसीज़ थी, एक वो सेग्रीगेशन की पॉलिसी, इनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इनको जो भी हमने बंदिशें लगाई हुई उनको आप रिमूव करो, प्लस मीडिया पे जो बेन थी, जो प्रिंट मीडिया था उस वक्त, तो बाकी सारा मीडिया जो था उस पे भी जितनी भी बेन्स या रिस्ट्रिक्शंस थी उसको लिफ्ट किया गया, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको भी रिमूव किया गया, अपलिफ्ट किया गया। तो उसी असना में आफ्टर 28 ईयर्स जो नेल्सन मंडेला है उसको फ्री किया गया, तो ही वॉकड आउट आफ्टर 28 ईयर्स फ्री मैन। ठीक है, नाउ नेल्सन मंडेला वाज लाइक वॉकिंग आउट एज अ फ्री मैन, तो ये आसान नहीं था 28 साल जेल में गुजारना, 28 साल के बाद फिर से अपने लोगों के लिए प्रोटेस्ट करने या उनकी जो भावनाएं हैं उनको समझना, ये आसान नहीं होता है 28 साल तक जेल में रहना, फिर अपनी जो कंट्री के साथ जो वफादारी उन्होंने निभाई उसके बाद भी उनके साथ शाना बशाना खड़ा होना। दिस वाज अ ग्रेट एफर्ट बाय नेल्सन मंडेला, ही वाज अ लेजेंडरी मैन दैट टाइम। सो ऑन 24 अप्रैल क्या हो गया, 1994 पहली बार 24 अप्रैल 1994 में डेमोक्रेटिक कंट्री अफ्रीका बना। अब ये जो डेमोक्रेटिक कंट्री है ये अफ्रीका अब वजूद में आ गई, तो इसकी वजह से क्या हो गया, अब अफ्रीका में जितनी भी सेग्रीगेशन, जितनी भी डिस्क्रिमिनेशंस, इनजस्टिस, इनइक्वालिटीज थी, तो उनके लिए एक नया इरा स्टार्ट हो गया। तो न्यू इरा स्टार्टेड फ्रॉम द 24 अप्रैल 1994 व्हेन द अफ्रीका बिकेम डेमोक्रेटिक, एंड नाउ आफ्टर दैट डे दे फॉर्मुलेटेड देयर फ्लैग, नेशनल फ्लैग उसको अनफोल्ड किया गया, तो झंडा लहरा दिया गया, उसके बाद नेशनल असेंबली के अंदर फिर ये जो अपार्थाइड रिजीम है या वो ख़त्म हो गई, ख़त्म होने के बाद उन्होंने मल्टी रेशियल गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया जो डेमोक्रेटिक इंस्ट्रक्चर थी। तो उसमें क्या कहा गया, मल्टी रेशियल जो गवर्नमेंट थी उसमें यही देखा गया कि लीडर्स जो है उनको अपील किया गया, जो भी वाइट्स की डिस्क्रिमिनेशन आज तक थी उनको हम फॉरगिव करेंगे। ठीक है, जो भी वाइट्स ने हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन की, इनजस्टिस किए हैं, आप उनको फॉरगिव करो। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की कोशिश अब करनी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उनने पहल की मिलके, दोनों जो ग्रुप्स है या तीनों ग्रुप्स, कलर्स, ब्लैक एंड ब्लैक्स प्लस वाइट्स, ये तीनों ने मिल के फिर एक काम किया नई कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। सो वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होनी चाहिए, बेस्ड ऑन इक्वालिटी, बेस्ड ऑन जस्टिस। ठीक है, तो फिर फ्रीडम फॉर ऑल, इक्वल एसेस, सिटीजनशिप टू एवरीवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कलर, क्रीड, सेक्स एंड रिलीजन। सो दैट वाज अ न्यू काइंड ऑफ एरा फॉर द अफ्रीकन्स व्हिच स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। ओके, सो दैट इज व्हाई फॉर दैट डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अफ्रीका न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन डायर नीड, सो स्टार्टेड फॉर दैट न्यू एरा। सो आफ्टर ऑल क्या हो गया कि इन्होंने इस जस्टिस के लिए, कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के लिए एक प्रपोजल चुना। ठीक है, अब इन्होंने सोचा कि ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास होनी चाहिए जो कॉमन होगी, जिसमें सारे इक्वल होंगे, जिसमें वाइट्स, ब्लैक्स, कलर्ड, उनके कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, इवन के ऑन द बेसिस ऑफ रीजन वो भी नहीं होगी डिस्क्रिमिनेशन, तो एवरीवन इन दिस कंट्री मस्ट एंजॉय ऑल द बेसिक राइट्स लाइक फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ वो सारे, उसके लिए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट की गई। तो उसके लिए इनको 2 साल लग गए। ठीक है, 2 साल तक इन्होंने बहुत कोशिशें की फॉर्मुलेट करने की, ड्राफ्ट करने की। 2 साल के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ अफ्रीका है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मुलेट करने के बाद या ड्राफ्ट करने के बाद उन्होंने इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, पूरी दुनिया में मिसाल बन गई। तो सो उस वक्त अब अफ्रीका अब नया देश बन गया, डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री बन गई, और ये एक रोल मॉडल के तौर पे सामने आ गई उनके लीडर्स की जो कोशिश है। तो अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बिकेम द मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी इन होल वर्ल्ड आफ्टर 2 ईयर्स। सो दिस वॉज अबाउट द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अफ्रीका। Now this changed the history of Africa as well. Now we will discuss why do we need constitution. अब इंडिया की बात करेंगे, अब अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, दैट इज़ द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, एक कंट्री के लिए हमें क्यों ज़रूरत होती है सेट ऑफ लॉज या सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो कहते हैं ना, विदाउट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस आप
किसी भी तरीके से मिसयूज़ और इलीगल यूज़ एक कानून की करेंगे, और आप वो भी करेंगे जो इलीग जिसमें वो हरकतें होंगी जो टोटली लीगल नहीं होंगी, जो आउट ऑफ बाउंड्स होंगी, या आप सोसाइटी को उस चीज़ की वजह से क्रश या डिस्ट्रॉय करेंगे ऐसी ऐसी हरकतें करके, क्योंकि क्योस एंड कन्फ्यूजन जनरेट होगा सोसाइटी में, जिसकी वजह से ज़रूरत पड़ती है लॉ एंड ऑर्डर की। सो दैट इज़ वाई कि हमें नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए हम अफ्रीका की एग्जाम्पल को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अफ्रीका ने किस तरह कोशिश की, अफ्रीका ने किस तरह स्ट्रगल की कॉन्स्टिट्यूशन को हासिल करने में। सो दैट इज़ वाई कि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे पास अफ्रीका की एग्जाम्पल सारी फहरिस्त है, जिसकी वजह से जो हम इजीली जिससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत होती है एक कंट्री के अंदर, क्योंकि ऑप्रेस्ड क्लास और ओप्रेसर क्लास ये दोनों उस वक्त मिलके रहना चाहते थे, बट उनमें एक क्योस एंड कन्फ्यूजन ये थी कि वो कैसे एक दूसरे पे ट्रस्ट करें, क्योंकि ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट में बहुत फ़र्क था। उसकी वजह से उन्होंने कहा कि हमें सेट ऑफ रूल्स फ्रेम करने चाहिए, ड्राफ्ट करने चाहिए, जिसमें हम दोनों ट्रस्ट करेंगे, और ट्रस्ट करने के बाद फिर हम दोनों विद पीसफुल मीन्स एक कंट्री में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो नेशनल स्ट्रगल ऑफ नेशनलिज्म ऑफ इंडिया जो है वो उसमें आप पढ़ सकते हो अगले साल कि किस तरह इंडिया में नेशनलिज्म मूवमेंट ने इंडिया को इंडिपेंडेंट कराया और ब्रिटिशों से छुटकारा उनको मिला। 1947 तक उनने कंटिन्यूसली अपनी स्ट्रगल को जारी रखा, इन द एंड उनको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी तो फिर ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। तो हम उसी की तरफ बढ़ रहे, उसी मुद्दे की तरफ, क्योंकि ये दोनों ग्रुप अब कंप्रोमाइज़ करने लगे। तो लेटर ऑन उन्होंने कुछ रूल्स सेट किए, नंबर वन कि हमारे पास रिटन रूल्स होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। तो रिटन रूल्स, सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए, प्लस एवरीवन शुड ओबे इट, जितने भी लोग हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, हर किसी को हक बनता है कि इन सेट ऑफ रूल्स को ओबे करे। थर्ड पॉइंट उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी एंड विल बी सुप्रीम ऑर्डर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगी, सुप्रीम बॉडी होगी, सुप्रीम लॉ होगी, जिसको हमें सबको फॉलो करना चाहिए, कि इसको कोई वायलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो भी वायलेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को ही मस्ट बी पनिश्ड और इम्प्रिजन्ड, ओके। तो फिर सिटीजन्स को सिटीजन राइट्स मिले, सफरेज मिला, एडल्ट फ्रेंचाइज मिली, बाकी सारी राइट्स मिले, फंडामेंटल राइट्स मिले इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो जनरेशन ऑफ डिग्री ऑफ ट्रस्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पहले प्रॉमिस करती है अपने सिटीजन्स के साथ। तो दैट मीन्स कुछ चीज़ें होती हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होती है, ड्राफ्ट होती है, वो कुछ चीज़ें इंश्योर करती हैं लोगों को, कुछ चीज़ें जब इंश्योर होती हैं तब जाके पीस आता है एक कंट्री के अंदर, तब जाके एक कंट्री सेटल्ड लाइफ और सेटल्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्रिएट और डेवलप कर सकती है। आगे जाके वही कंट्री फिर एक मिसाल बन सकती है, जैसे कि बेल्जियम ने किया जब हम पावर शेयरिंग में बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो नंबर वन इसमें जनरेट डिग्री ऑफ ट्रस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से होता है। नंबर टू जो होता है वो है स्पेसिफाइज द हाउ द गवर्नमेंट शुड वर्क, एक गवर्नमेंट को स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत एक सेट ऑफ रूल्स के अंदर काम करना है और गवर्नेंस करनी है, ठीक है, जिसके अंदर वो लॉज को वायलेट नहीं कर सकते और बेसिक राइट्स लोगों के वो नहीं छीन सकते हैं, ठीक है। थर्ड जो है लिमिट इज़ द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट आती है पावर में उसके जो अपने मतलब मुद्दा होते हैं, एजेंडाज होते हैं, उसमें वो वायलेट नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन को। दैट इज़ वाई दैट लिमिट इज़ द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, नॉट एक्सीड, नॉट मेक द एसेस ऑफ द मिसयूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ चीज़ जो है एक्सप्रेस इज़ द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, तो एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल में ये आता है कि लोग अपनी जगह उम्मीद लगाए फिर बैठते हैं कि नहीं, अगर कोई गलत करेगा या हमारे खिलाफ या हमारे बेसिक रूल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ या फंडामेंटल राइट्स को कोई छीनने की कोशिश कर रहा है या वायलेट करने की कोशिश कर रहा है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर हम उसको बुला सकते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, तो हमें वो जस्टिस फराहम कर सकती हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ये यहाँ पे ये चार चीज़ें इंश्योर करती है। तो जब हम बात करते हैं वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू की, वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू के बाद एक वार स्टार्ट हुआ था जिसको कोल्ड वार कहते हैं, ठीक है। बट उसमें जो कंट्रीज़ आज़ाद हुई थी वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, उससे पहले जो सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरफ हम जाएंगे, वो तो हमें डिस्कस नहीं करना है, वो ऑलरेडी हमने हिस्ट्री में डिस्कस किया हुआ है। तो उसकी वजह से यहाँ पे हमें एक इमेजिनरी, एक टोटल
सेटअप मिलता है हर वर्ल्ड की उस कंट्री की जो आज़ाद हुई, और जो ही वो आज़ाद हो गई या वो इंडिपेंडेंस उसने इख्तियार की, उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपनी कंट्री में कैसे मेक किया, कैसे ड्राफ्ट किया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने कैसे फिर फॉलो किया। ठीक है, तो यहाँ तक ये जो था ये कॉन्स्टिट्यूशन का था। दुनिया में जितनी भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं उनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है सिवाय ब्रिटेन के, ब्रिटेन के पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब नए टॉपिक की तरफ मुड़ते हैं, वो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, अब इसमें कैसे प्रोसेस फॉलो की जाती है कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फिर एंड में हतमी शक्ल लेती है इंडिया में और साउथ अफ्रीका में, क्योंकि साउथ अफ्रीका में हमने देखा उन्होंने कैसे एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया सेट ऑफ रूल्स को ऑन द बेस ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो बनाया। इसी तरह इंडिया अभी जब आज़ादी लड़ रहा था तो फ्रीडम स्ट्रगल के बाद इंडिया एक्चुअली पार्टीशन इसका हो गया 1947 में, तो तीन कंट्रीज़ वजूद में आ गई। एक्चुअली फर्स्ट हाफ में दो ही बन गई, नंबर वन वॉज पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान प्लस इंडिया, बट लेटर ऑन फिर ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश एंड वेस्ट पाकिस्तान आज का प्रेजेंट पाकिस्तान है। मगर उससे पहले इन्होंने मिल के एक पहल स्टार्ट की थी जब INC बना था, इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था, उसमें जितनी भी मीटिंग्स हुई थी 1931 में हुआ था या उसके बाद हुई थी, लाहौर सेशन हुआ था, कराची सेशन हुआ था, या इवन के बॉम्बे सेशन भी हुआ था, तो वो जो मीटिंग्स है या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी की गई, मगर उनमें वो जिक्र नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, बट उनमें किया गया, ठीक है, जो मैंने पहले डिस्कस की। ठीक, तो लेटर ऑन जब इंडिया अपने आप को विजुअलाइज़ करता है आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना था, तो उसी को मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये टॉपिक जो है हमारे पास। तो उसमें 1928 में पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया गया, उसमें सबसे बड़ा किरदार मोतीलाल नेहरू ने निभाया। मोतीलाल नेहरू जो है उसके साथ बाकी आठ मेंबर्स थे या लीडर्स थे जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने मिलके एक प्रोग्राम बनाया कि हमें किस तरह इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना चाहिए। तो 1931 में अभी मैंने कहा कराची सेशन हो गया, वहाँ पे भी डिस्कस किया गया कि इंडिपेंडेंट इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन कैसी होनी चाहिए, उसको विजुअलाइज किया गया, इमेजिन किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट करती रही, बार बार उन्होंने मीटिंग की, तो उस पर सोच विचार किया, तो बहुत बहुत बार इन्होंने मीटिंग जब बार बार की, टाइम एंड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो वहीं उनके साथ भी हो गया। तो ड्राफ्टिंग कमिटीज बार बार अपनी रीडिंग्स कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्ट कर रही थी। ठीक है, तो इन द एंड उनको दो बॉडीज़ बनानी पड़ी, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ी और ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हेड राजेंद्र प्रसाद को रखा गया और चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। तो लेटर ऑन इनको 1946 में इन्होंने एक मीटिंग की थी, ठीक है, कि कंट्री जो डिवाइड अब हो रही है, क्योंकि अब टू नेशन थ्योरी थी, टू नेशन थ्योरी में अब कंट्री में पार्टीशन हो रहा था ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, दैट इज़ मुस्लिम एंड हिंदूज़, बट स्टिल इंडिया ने उसके बाद जब 47 में आज़ादी हो गई तो इंडिया ने अडॉप्ट किया सेक्युलर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, बट पाकिस्तान ने ऑन द बेस ऑफ रिलीजन इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर अपना दिया। बट इंडिया जो है, क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी बहुत है, ह्यूज कंट्री थी, उन्होंने होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बनाई जिसमें सारी स्टेट्स को इकट्ठे रखना था, सेंट्रल पावर को डोमिनेंट पावर बनाया गया, उसकी वजह से ये बहुत डिफ़िकल्ट था इनके लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाना। उस ड्राफ्टिंग कमेटी को फिर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करनी थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन सारे डाइवर्सिटी को कवर करना चाहिए, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। सो दैट इज़ वाई कि इनको बहुत टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में। ठीक है, जब वो ड्राफ्ट करने लगे तो इनको एक मुनज़्ज़म तरीके से एक बहुत बड़ा टाइम लगा। तो एक्चुअली 1936 में भी प्रोसेस स्टार्ट होगी, 1939 में भी, फिर 1946 में, तो ऑलरेडी हम अभी डिस्कस कर रहे थे जब पार्टीशन की बात आ गई, तो उसके बाद इन्होंने 1947 में आज़ादी अच्छी तरह हासिल की। ठीक है, जब 1947 में फिर अच्छी तरह 15 अगस्त को इंडिया इंडिपेंडेंस हासिल करता है, तो उसके बाद पूरी तरह इन्होंने अब तैयारी करके रखी हुई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस बेस पे होगी, वो किस लेवल की होगी जिसमें सारी डाइवर्सिटी को कवर किया जाए। देयर मस्ट बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, ओके, कलर, कास्ट, क्रीड एंड सेक्स। ठीक है, तो फिर 26 नवंबर 1949 में हम ऊपर लिखेंगे
26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। फिर इसको 26 जनवरी 1950 में क्या किया गया, इफेक्टिव बनाया गया 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो ये जो है ये डेट्स, ये यहाँ पे इनको अडॉप्ट करनी पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अडॉप्ट करने के बाद एक साल ज़्यादा नहीं गुजरा, फिर दिसंबर और जनवरी में सिर्फ तीसरे महीने 1950 में इन्होंने फिर इसको इफेक्टिव बनाया, ठीक है, ये लागू हो गई। तो इसीलिए 26 जनवरी जो है इंडिया में मनाया जाता है रिपब्लिक डे। तो ये एक हिस्ट्री है हमारी रिपब्लिक डे की इस इंडिया कंट्री में, कि 26 जनवरी को क्यों रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है जबकि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। एक्चुअली ये इफेक्टिव हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950, दैट इज़ वाई कि 26 जनवरी इज़ बीन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज अ रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में किस किस का रोल ज़्यादा अहम था, किस किस का किरदार ज़्यादा था। तो हमने कहा एक था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो चेयरमैन था ड्राफ्टिंग कमेटी का, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हेड था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसके साथ बाकी मेंबर्स भी थे। अब इनको कितना टाइम लगा इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में, कहा जाता है कि 114 डेज। ये इस पर रीडिंग कर रहे थे, इस पर सोच विचार कर, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने लाया, उसको रीड किया, उसके हिसाब से उनमें से जो लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन क्लॉज बाई क्लॉज था उसको निकाला, कौन कौन से अप्लाई होंगे इंडिया में, एप्लीकेबल कौन कौन सा है। तो उसके हिसाब से उनको बहुत समय लग गया ड्राफ्ट करने में। अप्रॉक्सीमेटली ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, USA, इन सब कंट्रीज़ का इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन उस पर रीडिंग की, रीडिंग करने के बाद उसको ड्राफ्ट कर दिया इन द एंड, ठीक है। तो इन्होंने वर्ड बाय वर्ड पढ़ा, रीडिंग की, और जो डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए तो उसका एक बहुत सा बड़ा एक बंडल बन गया उन डॉक्यूमेंट्स का, जो उन्होंने रिकॉर्ड के तौर पे प्रिजर्व किया। और उसके बाद जो क्लॉज बाय क्लॉज उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, तो उस पर डिबेट हो गया। जो जब डिबेट हो गया तब तक 14 बल्कस ऑफ डॉक्यूमेंट्स तैयार हो चुके थे जिनका डिबेट होना ज़रूरी था। जब डिबेट्स हो गए, डिबेट्स होने के बाद प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी रखा। तो ओवरऑल इनको 114 डेज, 3 साल तक इन्होंने ये प्रोसेस जारी रखा, 114 डेज इनका ये प्रोसेस कंटिन्यूसली रहा 3 साल के लिए। तो इन द एंड, ठीक है, इन द एंड ये तैयार होगी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जो हमारा अब लास्ट टॉपिक है वो है पाथ एंड प्रॉमिस, ठीक है। अब इसमें जो पाथ एंड ड्रीम्स एंड प्रॉमिसेस है उसमें क्या कहा गया, कहा ये गया कि इंडिया जो है वो अडॉप्ट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ सेक्युलर इन नेचर, दैट इज़ सोशलिस्ट इन नेचर, तो इसमें जस्टिस होगी फॉर ऑल, इक्वलिटी फॉर ऑल, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई। नाउ इसमें एक फ़िलासफ़ी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, फ़िलासफ़ी ये है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरह हर किसी इंसान के लिए, हर किसी डाइवर्स लोकेलिटी के लिए, जितनी भी ऑन द बेस ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, रीजनल डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, या इंडिया में भी बहुत सारे कलर के बेस पे डाइवर्सिटीज़ पाई जाती है लोगों के अंदर, बट फिर भी इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन को 0 डिग्री पे लाने के लिए इन्होंने फिर रिजर्वेशंस रखे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, या रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए रखी गई। ये सारे प्रोमिसज या पाथस ये इन्होंने अपनाए कॉन्स्टिट्यूशन को कम्प्लीट करने के लिए। फिर इन द एंड इन्होंने जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, जो बॉडी है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। इन्होंने 3 बॉडीज़ रखी, 1 लेजिस्लेचर, 2 इज़ एग्जीक्यूटिव, एंड 3 इज़ जुडिशरी। जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है उसमें लॉज बनाए जाते हैं, ठीक है, लॉ मेकिंग बॉडी उसको कहते हैं। जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो एग्जीक्यूट करती है, एनफोर्स करती है लॉज को, और जो जुडिशरी होती है वो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, वो इंटरप्रेट करती है चेंज या डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दैट कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन जो हमारा था, ये सारा जो हमने डिस्कस किया वन बाय वन सारे टॉपिक्स। अब निचोड़ ये निकलता है कि ये जो कंट्रीज़ थी इंडिया और साउथ अफ्रीका, जो हमने ये सारा प्रोसेस इनके बारे में पढ़ा, इन्होंने कैसे आज़ादी हासिल की या कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, इन द एंड वो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के तौर पर दुनिया में सामने आ गए। इसीलिए दुनिया में आजकल के दौर में अप टू डेट जो इंडिया है, इट इज़
one of the largest democracies in the world. So this was all about the chapter. Recapitulating the chapter, we discussed the democratic constitution in South Africa. We discussed the struggle against apartheid. We discussed towards the new constitution in Africa. We discussed why do we need constitution in India. We discussed making of constitution. In the end, we discussed the path, dreams and promises made by the government. This is all about the chapter. Thank you. I hope you enjoyed. Assalamu alaikum.